जैसा कि आप सादराबाद के में हैं कि आज सैयद अली असगर साहब की गिरफ्तारी के बाद हमारा प्रोटेस्ट जो है उसी से दिन में दाखिल हो चुका है। आज तक की जो डेवलपमेंट है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मुझे अपनी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन पे इस्लामाबाद बार के तमाम वकला पे फख्र है कि हमारी बार ने अपनी कैबिनेट की कॉल पे पूरा मुलाकात किया है और स्ट्राइक को ऑब्जर्व करने में हमारे हर मेंबर ने, सीनियर हो, जूनियर हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, तमाम ने हमारा भरपूर साथ दिया। तो मैं अपनी पूरी बार का, अपनी काबीना का इस मामले में साथ देने पर इंतहाई मशहूर। अभी मैं सदर मोहतरम नाज़िर इमाम साहब को दावत दूंगा, वो आपको आज तक की जो अपडेट्स हैं उनसे आगाह फरमाएंगे। जनाब चौधरी कैसर इमाम साहब। सामने आई वो वीडियो खुद चीख चीख के ये बताती है कि किस कदर हदक आमेज रवैया इख्तियार किया गया और उसके बाद जिस तरह गिरफ्तारी की गई और फिर उस गिरफ्तारी को जस्टिफाई करने के लिए किस तरह गुज़श्ता गुजरे हुए घंटों में एक मुख्तलिफ थाने के अंदर एफआईआर दर्ज की गई और यूनिफॉर्म में हमारे भाई को मुसलसल तकरीबन 8 घंटे तक हबसे बेजा में रखा गया। ये इंतहाई शेमफुल एक्ट है, एक बुजदिलाना कदम है। मैं मुख्तलिफ जगहों पर जहां जहां इस दौरान मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, तो इस दौरान बहुत सारी ऑफर्स के साथ, बहुत सारे मामलात को हल करने की गारंटीज के साथ उन मीटिंग में हमारे सामने मुख्तलिफ चीजें रखी गई। लेकिन कल शाम की एक मुलाकात में मैंने बड़े साफ लफ्जों में उनके सामने ये बात रखी कि ये कसूर है उन वालदैन का जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बजाय इसके कि 10वीं और 12वीं जमात पास करवा के किसी नौकरी में डाल दें, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ लिख कर हमारे बच्चे दूसरों के हकूक की रखवाली करें। मैंने उनके सामने ये बात रखी कि वो गलती जो हम सब के वालदैन ने की, वो गलती फिर दोहराई हमारे उस्ताद ने कि हमें आईन की किताबें पढ़ा दी, हमें कानून की किताबें पढ़ा दी और हमें ये बताया कि इन किताबों में ये लिखा हुआ है कि ये तुम्हारे हकूक हैं। उसके बाद फिर तीसरी गलती कर दी हमारी अदालतों ने कि हमारी अदालतों ने वो जजमेंट्स पास कर दी कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये आपके हकूक हैं और इनका तहफ्फुज़ रियासत की जिम्मेदारी। काश ये सब कुछ ना पढ़ाया जाता अली असगर साहब को। अली असगर साहब आराम से वहां पर अपनी गाड़ी में बैठे रहते और शाम को अपने घर चले, वो बहस ना करते उस तफ्तीशी अफसर के साथ। जब ये बातें मैंने उनके साथ की और उनके सामने रखा ये सारा मौकफ और मैंने कहा हम आपसे क्या मांगते हैं, हम आपसे ये कहते हैं कि वो गलती जो आपको भी नजर आ रही है कि गलती है, वो लाकानूनियत जो आपको भी नजर आ रही है कि लाकानूनियत है, उस लाकानूनियत को आप एक वर्दी में होते हुए आप उसका दिफा करेंगे, उस पर नजर रहेंगे कि हालात जू के तू रखे जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं, कम से कम मेरे होते हुए तो ये मुमकिन है। तो बजाय फिर इसके कि हम उसकी मुअत्तली का मुकालबा करें,
आप ये मुतालबा कर दें कि कैसे ईमान को मुअत्तल कर दिया जाए, कम से कम मुझसे ये तवक्को ना रखे कि मैं किसी निगोशिएशन में इस मुकाबले से पीछे रहूं। और ये बात हमने कल तय की है कि असगर अली के मामले को अगर यहां पर हल ना किया गया तो ये मत समझिए कि ये मामला यहां पर रुक जाएगा, ये खामोशी तारी हो जाएगी और ये सारे लोग जो काला कोट पहने उसके साथ खड़े हुए हैं ये अपने अपने घरों में जाएंगे और मुंतशिर हो जाएंगे। ये एक सब इंस्पेक्टर की वतली के दरमियान जो आप लोग खड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को अपनी लपेट में ये तहरीक ले। हम पाकिस्तान की मुख्तलिफ बात आपने उनके मजम्मती नोटिस भी देखी होंगे, उनकी क़रारदाद भी देखी होगी उनके साथ रबते में, और आज के दिन के बाद आज जो शाम को हमने राय बल लेना है उसमें इंशाल्लाह सूबों की क़यादत को हमने शामिल करना है और सूबों की क़यादत के साथ बाहमी मशवरे से हमने इस तहरीक को आगे लेके चलना है। एक नुक्ता जो बड़ा अहम है वो कल पास होने वाला लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट, मैं ये समझता हूं कि इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है जो वफाकी हुकूमत के नाक के बिल्कुल नीचे, मैं ये समझता हूं कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर का लॉ मिनिस्टर होना बायसे रहमत होना चाहिए, और अगर वफाकी हुकूमत को अपनी नाक के नीचे होने वाली ज्यादती का इल्म नहीं है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है तो कम से कम मैं इस लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट का अपनी जिंदगी में कभी सहारा नहीं हुआ। ये किताबी बातों से मैं उस एक्ट को पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारी दफात हैं और मैं ये देख रहा था कि वो दफात हमारे आईन में और मुख्तलिफ किताबों में पहले से फैली हुई है। मैं ये मुतालबा करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट से, मिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर एंड मिस्टर लॉ मिनिस्टर जो रेलेवेंट लोग हैं यहाँ इस मामले में, कि आप ये बार बार कवानीन बनाने की बजाय जो कवानीन ऑलरेडी एक आम सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए है उसमें से 1% कानून को इंप्लीमेंट कर, हमें कोई जरूरत नहीं है मजीद लेजिस्लेशन की, हमें कोई जरूरत नहीं है इन लेजिस्लेशन पर ज्यादा करने की, हमें जरूरत है तो उसको इंप्लीमेंट करने की, वो 1% भी इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये मसाइल 99% हल हो जाएगी। तो ना सिर्फ हमारा एहतजाज जारी रहेगा बल्कि इस एहतजाज को मजीद फैला दिया जाएगा और ये रुकने वाला नहीं है, हम अपने मुकाबले से पीछे हटने वाले नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब सदर मोहतरम। मैं सैयद वाजिद गिलानी साहब को हॉल में आने पर शामदीद कहता हूँ। कुछ बातें क्लियर कर देना बहुत जरूरी है, कल कुछ दोस्तों के जहनों में शायद इंतजार है या कुछ और है, तो मैं उनको वादे कर दूँ कि हम 7,000 मेंबरान इस्लामाबाद बार की मुंतखब की हुई काबीन है, तो हमें भी बहुत सारी बातों का इल्म है और बहुत सारे मामला का इल्म है कि इन मामला को कैसे चलाना है। पूरी इस्लामाबाद बार कौन सा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन एक पेज पे है, हम अपने बुकरा के अपने मेंबरान के तहफ्फुज के लिए बिल्कुल एक पेज पे है और पूरी बार हमारे साथ, हमें अपनी बार काउंसिल की पूरी हमायत आ सके, बार काउंसिल की हमायत है तो हमारी सराय की साकत चल रही है, हम अपने बड़ों को साथ लेके चल रहे हैं और हम अपने नौजवानों को साथ लेके चल रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह साथ लेकर चलेंगे। जिन अनासर के जहनों में ये बात है वो गुजारा निकाल रहे, हम पूरी अपनी उमरा कम्युनिटी के साथ हैं, अपनी पूरी क्यादत की अलहम्दुलिल्लाह साथ है। दूसरी बात, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपकी काबीना हमारा आपके लिए हाजिर है, परेशानी का या पर गली वाला कोई सीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपर हैंड पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो डेली बेसिस पे हाई अप्स
के जरिए हमसे माफियां मांगने आ रहे हैं, लेकिन हमारा वह मुकाबला ऐसे जो मुतल करो, उसके खिलाफ तदीबी कार्रवाई का आगाज करो, हम आपके साथ टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज आपकी माफियां निकालने के लिए। मैं वंस अगेन अपने तमाम सीनियर्स का, अपने नौजवान उकला का, स्पेशली अपनी अदालतों का इंतहाई मशहूर हूँ कि आपने इस काज में हमारी स्ट्राइक के अंदर जान करवाने में हमारा जो साथ दिया, ये आपके एहसान जिंदगी भर याद रहेगा। Police, Gandhi, Namazoo, Police, Gandhi, Namazoo, Bukla, Itahar, Zindabad.